Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Guru Sachar Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyavam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam. Narayanam Padma Bhuvam Vasishtham Shaktincha Tat Putra Parasharancha Vyasam Shukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindram Adhasya Shishyam Shri Shankaracharyam Adhasya Padmapadancha Hastamalakancha Shishyam Tam Totakam Vartikakaram Anyan Asmat Gurun Santatam Anatosmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyuttanam Adharmasya Tada Atmanam Srijamyaham. I say, जब धर्म का प्रचार करने का ज्यादा जरूरत होता है तब भगवान का अवतार इस धरती पर होता है वैसे ही दशावतार का संभव हुआ है मत्स्य अवतार कूर्मा अवतार वराह अवतार नरसिंह अवतार वामन अवतार परशुराम अवतार राम अवतार कृष्ण अवतार ऐसे जो कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के अवतार धर्म प्रचार हेतु हुआ है धर्म का संरक्षण हेतु हुआ है धर्म का प्रकाशन हेतु हुआ है इस कलयुग पर धर्म प्रचार हेतु धर्म का प्रकाशन हेतु एक अवतार हुआ है इस अवतार है परमेश्वर का अवतार है शिवजी का अवतार है ये शंकराचार्य का अवतार जो कैलाश महापर्वत विराजमान है परमेश्वर जी लोक पिता पार्वती परमेश्वर ने सोचा है अगर एक व्यक्ति से या कुछ व्यक्तियों से दिक्कत होता तो उसको निवृत्ति करने के लिए मतलब वो दिक्कत हटाने के लिए एक प्रकार का अवतार पूर्व युगों में हुआ है कलयुग में तो जनमानस में परिवर्तन लाने का जरूरत है सब बुद्धिमान हैं मेहनत करते हैं पर सही दिशा दिखाना है सत्संकल्प होना चाहिए शक्ति का कमी नहीं है भाव का कमी है दिशा निर्देश का कमी है अपने शक्ति को दुरुपयोग नहीं होना चाहिए या अनुपयोग भी नहीं होना चाहिए उपयोग होना सदुपयोग होना और लोक कल्याण हेतु मानव का जो बुद्धिमत्ता है मेहनत है उसको सही ढंग से हम उपयोग करके शांति समाधान इस विश्व में होना है इस हेतु अद्वैत तत्व का प्रचार करना है इसलिए कैलाश पर्वत स्थित शंकर जी शंकराचार्य के रूप में केरल में अवतार लेकर के अपने
32 उम्र के आयु के अंदर इस पवित्र धरती पर जंगल में पहाड़ में विभिन्न प्रकार के शीतोष्ण के बीच में विभिन्न प्रकार के विश्वास आस्था के बीच में शास्त्रार्थ का प्रचार करने के लिए अपने जो वेदों हैं चारों वेदों का तत्व प्रचार के लिए शास्त्रों का प्रचार के लिए और प्रेम श्रद्धा विश्वास आस्था मैत्री सद्भाव को प्रचार करने के हेतु उन्होंने सात्विक रूप से बचपन में ही संन्यास ग्रहण करके संन्यास स्वीकार उन्होंने किया है। भारत में एकता और मैत्री सद्भावना अखंडता ये सांसारिक युग में कैसे होना है एकता और चिंतन धारा में लोगों के बीच में सात्विक प्रवृत्ति आलोचना अपने विचार में अपने आहार में अपने वचन में सात्विकता होना चाहिए प्रेम होना चाहिए ईश्वर भक्ति होना चाहिए होनी चाहिए और सदाचार संपन्नता उसके लिए स्तोत्रों को रचना और नीति ग्रंथ का रचना भज गोविंदम प्रश्नोत्तरमाला इत्यादि नीति ग्रंथ का मतलब निराडंबर जीवन अपने मेहनत से ऊपर आना चाहिए। जो बड़े हुए हैं वो दूसरों को गरीबियों को मदद करना चाहिए। ऐसे प्रतिदिन हमारा जीवन में गीता का पाठ होना चाहिए गंगा का तीर्थ संसार में कम से कम एक बार तो गंगा तीर्थ का पवित्र तीर्थ का पान होना चाहिए चरणामृत लेना चाहिए। ऐसे भक्ति सदाचार सभ्यता संस्कृति इत्यादियों को जोड़ करके मानव संस्कृति को और धार्मिक संस्कृति को विश्व में जो ऊंचा संस्कृति और अनादि संस्कृति है सृष्टि से जो शुरुआत से सृष्टि का शुरुआत से जो आ रहा है संस्कृति उसको प्रचार करने के लिए बहुत उन्होंने किया है। ऐसे भाष्यों का रचना गीता भाष्य और उपनिषदों का भाष्य और व्यासाचार्य का जो ब्रह्मसूत्र है ब्रह्मसूत्र का भाष्य ऐसे सामान्य मानव का दैनंदिन का प्रतिदिन जो आचार विचार होना चाहिए उससे शुरू करके अद्वैत भाव वसुधैव कुटुंबकम नेह नानास्ति किंचना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इतना तक जो तत्व है उसको प्रचार उपदेश के रूप में उन्होंने किया है। उस उपदेश को याद करना है प्रचार करना है ये सब उनका नया सिद्धांत नहीं है। जो वेदों में जो कहा है सत्यम वद धर्मंचरा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव ऐसे जो जो वेदों में अपने उद्धार के लिए जीव का भी उद्धार होना चाहिए जीवन में भी उत्कर्ष मिलना चाहिए विकास मिलना चाहिए उसके लिए शंकराचार्य जी ने मानव संसाधनों का विकास साधना के माध्यम से ऐसे उन्होंने बहुत कुछ कहा है उसको याद करना है। उसके लिए कई स्थानों पर उन्होंने अपने अपने संस्थाएं खड़ा किया है उसमें
जो शंकराचार्य जी का जो परंपरा में महाराज जी जो आज का जो युवा पीढ़ी है और समस्त जनता के लिए भी अपना सनातन धर्म का हिंदू रिलीजन का जो प्रचार के लिए और सर्वत्र ही जो जो विश्व में जो सुख शांति चाहिए लोका समस्ता सुखिनो भवंतु उसके लिए जो कर रहे हैं उसका भारत के जो राजधानी है वहाँ अर्थात न्यू दिल्ली में आज के न्यू दिल्ली में अच्छा भव्य एक स्थान बना के भारत का मैत्री सद्भावना वेदों का प्रचार शास्त्रों का प्रचार शास्त्रीय संगीत का प्रचार अपने नाम जाप करने का प्रचार पदयात्रा का प्रचार ऐसे अपना भारत का व्यक्तित्व और भारत का महत्व ये सब भारत का दायित्व ये तीनों समझाने के लिए लोगों को प्रति सुलभ रीति से उन लोगों को मौका जैसे मिलेगा उस दृष्टि से कांची कामकोटी पीठम कल्चरल सेंटर जो विश्व में सब लोगों को चाहे पामर हो पंडित हो नारी हो पुरुष हो पढ़े व्यक्ति हो पामर हो जैसे भी है वो बालक हो वृद्ध हो स्त्री बाल वृद्ध बुध पामर निर्विशेष आनंदयंतम ऐसे जो अपना उत्तम संस्कृति है उसको याद करने हेतु उसको प्रकाशन करने हेतु उसके द्वारा जो अपने जो 125 जो आबादी है जनसंख्या है उसके बीच में अद्वैत तत्व का शास्त्रों के प्रति आस्था विश्वास बढ़ाने का बनाने का जिनको बनाना है उसको बनाने का पढ़ाने का प्रचार हेतु ये भवन का निर्माण ऐसे शुरुआत उसके लिए प्रयास हो रहा है उसमें सब लोग मिलकर के उसके द्वारा भारत में धर्म का प्रचार होने का एक सुअवसर है और विशेष करके दिल्ली वासियों के लिए न्यू दिल्ली वासियों के लिए भी ये धर्म प्रचार का केंद्र रूप में विकसित होने के लिए सब लोग जिस जिस प्रकार से उसमें योगदान कर सकते हैं उस दृष्टि से उसमें शामिल हो करके श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं ऐसे लोक कल्याण हेतु अपने अपने श्रद्धापूर्वक सेवा समर्पित करना